ये मूवी हमारे फेवरेट स्टार रामचरण की है, जिसमें उन्हें कम सुनाई देता है। ये उनकी बेस्ट मूवी में से एक मानी जाती है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें चिट्टी बाबू नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसे कम सुनाई देता था लेकिन उससे ये अच्छा लगता था, क्योंकि जो वो नहीं सुनना चाहता था वो नहीं सुनता था और इससे वो बहुत फायदा उठाता था। और हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है, गाँव का प्रेसिडेंट, जिसका इतना खौफ था किसी को उसका नाम भी नहीं पता था और वो अपने घर के पास से किसी को चप्पल पहन के भी नहीं जाने देता था। उसका स्टाइल काफी अलग था, वो लोगों को पानी पिलवाता था और ग्लास धो के जाने के लिए कहता था। गवर्नमेंट जो पैसा देती थी गांव के लिए, प्रेसिडेंट उसे अपने लिए इस्तेमाल करता था। वो बहुत खतरनाक था, वो लोगों को मरवाता था, उसके परिवार को पैसे देता था, उसके लिए इंसानों की जान जानवरों जैसी थी। वो मुर्दे से भी हाथ जुड़वा लेता था उसके सम्मान के लिए। और चिट्टी बाबू रंगामा नाम की लेडी को बहुत मानता था, जिसका पति सीटी गया था, पूरा गाँव उसे ताने देता था। चिट्टी बाबू को एक घड़ी मिलती है, वो रंगामा को देता है लेकिन रंगामा उसे पहनने के लिए कहती है। चिट्टी का भाई आता जो सिटी से आया था पढ़ के, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और चिट्टी को लड़की पसंद थी जिसका नाम रामा लक्ष्मी था। चिट्टी बाबू के ना सुनने की वजह से उसे परेशानी होती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है लेकिन उसे समझ नहीं आता। रंगामा चिट्टी की मदद करती है, कुछ लोग रामा लक्ष्मी पे गंदे कमेंट पास कर रहे थे लेकिन चिट्टी को कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो कुछ नहीं करता, उल्टा वो उनसे बात करने लगता है। रामा लक्ष्मी नाराज होती है, बाद में चिट्टी का दोस्त उसे पूरी बात बताता है। चिट्टी सबको मारता है और बाद में रामा लक्ष्मी उसे पसंद करती है, वो उसे शादी के लिए उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए कहती है लेकिन चिट्टी को लगता है रामा लक्ष्मी कह रही है उसे कम सुनाई देता है, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकती। चिट्टी बाबू के ना सुनने की पावर से बर्बाद कर रहे थे रामा लक्ष्मी, जिसपे गवर्नमेंट का कर्जा था, वो बहुत टाइम से पैसे दे रही थी लेकिन उसका कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा था। चिट्टी बाबू का भाई देखता है वो गवर्नमेंट ऑफिस जाता है, उसे पता चलता है कर्जा बहुत पहले ही खत्म हो गया, प्रेसिडेंट के आदमी जानबूझ के ये पैसे लूट रहे थे गांव वालों से। जो भी उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता था प्रेसिडेंट उसे मार देता था। चिट्टी बाबू का भाई ये मुद्दा उठाता है और चिट्टी बाबू के भाई की गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो उससे मिलता है और बाद में पूरे गांव वालों के सामने चिट्टी बाबू का भाई रामा लक्ष्मी का मुद्दा उठाता है। प्रेसिडेंट बात दबा देता है, उसका आदमी चिट्टी बाबू के खानदान के खिलाफ उल्टा सीधा कहता है, चिट्टी बाबू को पता नहीं चलता। बाद में उसका दोस्त बताता है चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट के आदमी को बहुत मारता और बाद में रामा लक्ष्मी उसे मनाने आती है। चिट्टी बाबू उसे नाराज था, उसे लग रहा था रामा लक्ष्मी उसे यूज़ कर रही है, वो उससे भी नाराज था लेकिन रामा लक्ष्मी उसे किस करती है। चिट्टी बाबू समझ जाता है ये उससे सच्चा प्यार करती है और बाद में चिट्टी बाबू का भाई प्रेसिडेंट के पास जाता है चिट्टी बाबू को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो चप्पल पहन के आया था। प्रेसिडेंट गुस्से में देखता है चिट्टी का भाई जल्दी चप्पल उतार के आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे कहता है तू भी अपने भाई की तरह बहरा है क्या। वो उसे पानी पिलाता और ग्लास धो के जाने के लिए कहता है। चिट्टी बाबू को बहुत मारा जाता है, वो छूट के वापस आता है, उसका भाई इलेक्शन में खड़ा होता है प्रेसिडेंट के खिलाफ। चिट्टी बाबू का भाई प्रकाश राज की पार्टी से खड़ा था, प्रकाश राज सपोर्ट देता है, वो बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलवाता है गांव वालों का कर्जा देखने के लिए। और हमें पता चलता है ये पास्ट की स्टोरी है, प्रेजेंट में प्रकाश राज हॉस्पिटल में है और रामचंद्र उसकी बहुत सेवा कर रहा है। सीन वापस पास्ट में जाता है, रामा लक्ष्मी की शादी हो रही थी, उसके पापा जहर खाने की धमकी देकर उसे शादी करवा रहे थे, प्रेजेंट ने उसे पैसे दिए थे और रंगम्मा भी उसके साथ थी। और बाद में रंगम्मा सच बताती है कि उसका पति भी प्रेजेंट के खिलाफ लड़ना चाहता था लेकिन उसके पति को प्रेजेंट ने मार दिया और उससे जो घड़ी मिली थी वो उसके पति की थी, उसने गांव में इसलिए नहीं बताया था कि सारे मर्द उसकी इज्जत के पीछे पड़ जाते। और चिट्टी बाबू डर जाता है, वो अपने भाई को खड़ा नहीं होता था लेकिन उसका भाई अपने आप पे चाकू लगा के उसे सच पूछता है। उसका भाई उसे हिम्मत देता है, चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट के पास चप्पल पहन के जाता है, पानी पीता और ग्लास भी तोड़ता है। वो कहता है मेरे भाई के पीछे मैं हूँ। और बाद में रामचरण रामा लक्ष्मी की शादी में जाता है और कहता है मैं अपने भाई से ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन अगर तुम मेरे को मेरे भाई जितना प्यार कर सकती हो और अपने परिवार को छोड़ के मेरे पास आ सकती हो तो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। रामा लक्ष्मी अपने पापा को बड़ी जहर की बोतल देती है और चिट्टी के पास जाती है और रात में चिट्टी के भाई पे हमला होता है। चिट्टी बचाने जाता है लेकिन बचा नहीं पाता, उसका भाई मरता है और वो मरते मरते कुछ कह रहा था लेकिन चिट्टी बाबू बहरा होने की वजह से उसे सुन नहीं पाता और उसे पहली बार अपने कम सुनने का पछतावा होता है। वो सुनने वाली मशीन लगाता है जो पहले वो नहीं पहनता था कभी भी, वो अपने भाई को हमेशा मना करता था और वो रंगम्मा को इलेक्शन में खड़ा करता है। पूरा गाँव प्रेसिडेंट को मारने के लिए बढ़ता है चिट्टी बाबू के भाई की मौत की वजह से, लेकिन प्रेसिडेंट भाग गया था, रंगम्मा जीती है। प्रकाश राज की कार में अपोजिशन पार्टी वाले हमला करवाते हैं इसलिए वो कोमा में था और सीन प्रेसिडेंट में आता है। चिट्टी बाबू उसका पूरा ख्याल रखता और प्रकाश राज होश में आता है 2 साल बाद। वो कहता है सबने मेरे पर उम्मीद छोड़ दी थी, तुमने मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही। चिट्टी बाबू हंसते हुए कहते क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वो तुम्हें मेरे लिए छोड़ दे। और चिट्टी बाबू सच बताता है कि उसे पता चल जाता है उसके भाई ने मरने से पहले क्या बोला था। उसने नरेश का नाम लिया था और नरेश प्रकाश का आदमी था, नरेश को मार के चिट्टी को पता चलता है उसके भाई को प्रकाश ने मारा है क्योंकि चिट्टी बाबू का भाई प्रकाश राज की बेटी से प्यार करता था। प्रकाश राज कहता है तो मैं क्या करता, एक गरीब से अपनी बेटी की शादी करवा देता। चिट्टी बाबू चाकू निकाल के उसका गला काट देता और अपने सुनने की मशीन फेंकता और वहां से जाता है। इसे कहते हैं खतरनाक रिवेंज। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।